गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुदेव सिंह। मेरा नाम है रेणु सिंह, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ घर में चाहे कितना भी काम कर लेती है, उसे कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। अक्सर लोग यूं कहते हैं कि हाउसवाइफ घर में करती क्या है, वो सारा दिन करती क्या है। मतलब हाउसवाइफ का किसी को कोई काम नहीं दिखता है, वो 24 घंटे 24 आवर्स काम ही करती रहती है। अगर कोई आधी रात को भी जगाएगा किसी काम के लिए, वो तब भी उस काम को उठकर करेगी, चाहे वो कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो। किसी का दुख दर्द हारी बीमारी सब में वो काम आती है। और 24 घंटे घर में रह के भी कुछ करना चाहिए। गाइस, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, प्लीज जो कोई मिस्टेक हुई होगी मुझे माफ करना, पर मैं क्या करूँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और प्लीज ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और ये मेरा पहला ब्लॉग है। और इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज गाइस। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, आगे बोल नहीं सकती। बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए ये रेनू की किचन है। जो रेनू की किचन में दिखता है वही होता है। साफ है तो साफ है, गंदी है तो गंदी है। अब भाई क्या करें। तो 2 घंटे पहले हमने मूली के पराठे बनाए थे और वो सब ने खा भी लिए, खाने के बाद रेस्ट भी किया है। अब किचन तो साफ करनी पड़ेगी, अब शाम तक ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। शाम तक हमें काफी सारे काम भी करने होते हैं, तो चलिए हम किचन को स्टार्ट की। फाइनली मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। देखो कितनी अच्छी लग रही है क्लीन क्लीन किचन। देखो सब कुछ साफ सुथरा लग रहा होगा अब आपको। देखिए मेरी किचन कितनी साफ हो गई है। अब ये हो चुकी है शाम और ये हमारी शाम की चाय बन रही है। अब शाम के 6 बज चुके हैं, मैं कर रही हूँ शाम की आरती। आज मैं आलू गाजर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। गाजर आलू की सब्जी सभी को बहुत पसंद होगी। मैं सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल उसको हींग और जीरे के तड़के के साथ में। देखिएगा मैं अभी मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, इसको मैं अब प्री हीट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल घेरा है, सरसों के तेल को मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। फिर मैं उसमें जीरा डालूंगी। ये हमारे भुन चुके हैं। उस
उसके बाद मैं इसमें टमाटर और ये हरी मिर्च डालूंगी। अब फटाफट से मैं इसे चलाऊंगी ताकि ये लग ना जाए कुकर में। इसको चलाते रहना पड़ेगा कंटिन्यू। अभी हमने इसमें पानी वानी नहीं डाला ना, इसको चलाते रहेंगे, चलाते रहना है ऐसे लगभग। इसमें मैं फिर नमक डालूंगी, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मिर्ची पाउडर डालूंगी। आप लोग ये सोच रहे हैं फिर धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनते रहेंगे तब तक ये थोड़ा ऑयल नहीं छोड़ देगा। भूनते रहेंगे इसको हम अभी। फिर हम इसमें जल्दी से फटाफट से ये अपने आलू और गाजर जो काटे हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। हमने ये डाल दिए हैं, फटाफट से डाल देंगे। ये आप लोग ये सोचते होंगे बार बार डाल रहे हैं, मैंने थोड़ी ज़्यादा सब्जी बनाई है क्योंकि हमारे घर में फैमिली मेंबर 7-8 लोगों की फैमिली है, उसी हिसाब से मैंने ये सब्जी बनाई है। अब फर्स्ट ब्लॉग है, थोड़ा सा तो हो गया ही, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। जल्दी जल्दी से देखने में अच्छी लग रही है ना, पर अभी ये पकी नहीं है, पर देखने में ऐसी लग रही है कि इसे खा लो। अभी मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। मैं आलू गाजर में की सब्जियां जब बनाती हूँ तो उसमें अमचूर पाउडर साथ ही डाल लेती हूँ, उससे उसका फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद मैं ये ढक्कन लगा दूंगी इसका कुकर का, और एक सीटी आने तक इसको हम पकने देंगे। गाइस तब तक हमारी सब्जी रेडी होती है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। रोटी या पराठा किसी को कुछ भी पसंद हो उसके हिसाब से हम आटा लगा लेंगे। कोई रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है, उसके साथ साथ मेरी एक हॉबी भी है, मैं किचन में जब काम करती हूँ तो गाना वाना गाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जब तक मैं किचन में काम करते हुए छोटा सा गाना नहीं गा लेती, मैं सारा दिन ही गुनगुनाती रहती हूँ। पर ब्लॉक में तो ऐसा हो नहीं सकता ना, थोड़ा सा एक दो लाइनें मैंने रखी हैं। जो भी है गाना आता है मैं गाती रहती हूँ। क्या आप सुनना चाहोगे मेरा गाना? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ए मैं हारी हारी हारी, बेबस और लाचार फिरी मैं, हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, जान के सजदे में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हाँ जी हो गई हूँ मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इसको चला दूंगी।
पास इसमें पानी है, मैं इसे दूसरी गैस पे सुखा दूंगी। देखा मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला तब भी इस गाजर ने पानी छोड़ दिया है, इतने इसका पानी सूखता है। हम पराठे बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। अब मैं पराठे बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को सूखी सब्जी के साथ में पराठे बहुत पसंद है, रोटियां कम पसंद है, इसलिए मैं उनके फेवरेट स्टफ पराठे बना रही हूँ। स्टफ पराठा, त्रिकोण पराठा भी कहते हैं उसे। अब मैं बनाने जा रही हूँ, वो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर से पराठे। ये देखिए हमारा डिनर रेडी हो चुका है। देखिए आज मैंने क्या बनाया, ये गाजर आलू की सब्जी विद स्टफ पराठा। आपको पसंद है तो खाइए, आप खाइए सबसे पहले। यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं। ये हमारी छोटी बेटी देवांजन आई, ये कुछ कहना चाहती है। हेलो गाइस, आप वो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ये मेरी मम्मी की पहली वीडियो है, कुछ गलती हो तो माफ करना। आगे की वीडियो में भी मैं आती रहूंगी। बाय।